तो भाई लोग फिर से आगे आ रहा हूँ एक वो बेहतरीन एकदम नेक्स्ट लेवल स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर की गेम प्ले वीडियो में। और भाई लोग पिछली वाली वीडियो में हमने गेम शुरू शुरू करा था उसे, भाई हमारे साथ तो गेम शुरू करते गलत सीन चालू हो गए थे। ठीक है, तो भाई मतलब क्या था, पहले तो हम एक शिप में जो जेडाई का शिप था उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन थे भाई, ऐसे लटक लटक के चीज़ों को पकड़ पकड़ के चढ़ते थे और भाई बिजली के तार ठीक करके आते थे। ठीक है, तो इसे पार्कोर के तो अपन एकदम एक्सपर्ट हो गए थे, लेकिन भाई तभी हमें पता चला कि भाई हमारे अंदर फोर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है, एकदम ल्यूक की तरह भाई ऐसी चीजों को उड़ा सकते हैं, गिरा सकते हैं, कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, खैर भाई लेकिन जैसे हमें चीज पर पता लगा हमने अपने लीडर को बचाया। ठीक है, लीडर अपना मेन इलेक्ट्रिशियन था, हम उसके चेले थे, हम इलेक्ट्रिशियन का काम करना सीख रहे थे। जैसे हमने अपने लीडर को बचाया ना भाई, हमें एक पकड़ लिया एम्पायर वालों ने, वो भाई जेडाई को ढूंढ रहे थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया और भाई हमारे लीडर का तो कर दिया था गेम ओवर, लेकिन हम भाई बच गए थे जैसे तैसे करके। और भाई बड़ी मुश्किल से बचे भाई, कहीं चीजें टूट रही हैं भाई, कहीं रेल पे लटक लुटक के भाई कैसे कैसे बचे यार। और अभी हम एक शिप के अंदर हैं। वैसे भाई एक बात हूँ तो इस गेम के अंदर सिनेमैटिक्स तो भाई भर भर के हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें स्टार वॉर्स और उसके सिनेमैटिक्स बढ़िया लगते हैं और भाई वो सेवर फाइट जैसी जैसी होती है, मज़ा आता है उस चीज़ में, तो यार तुम्हें पता है क्या करना है भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो इस वाली वीडियो पे भर के। ठीक है, और थोड़ी सी अपने शॉर्ट्स को भी रीच दो यार। ठीक है, कमेंट वमेंट मार दिया करो, लाइक कमेंट शॉर्ट्स पे भी, क्योंकि अपन को जो शॉर्ट्स है ना वो भी सब तक पहुँचाने हैं भाई, पूरी दुनिया में शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स और अपनी नॉर्मल वीडियो भाई सब तक पहुँचाना है अपना कंटेंट। ठीक है, तो ऐसा लाइक वाइक मार दिया करो जिससे थोड़ी रीच बन जाए, है ना। और अगर तुम्हें भाई GTA की वीडियो चाहिए हो तो बोल देना कमेंट में, हम GTA भी ले आएंगे, ऐसी कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। ठीक है भाई लोग, तो अभी जहाँ में जाना था वहाँ पे पहुँच चुके हैं भाई, फील तो फुल स्टार वॉर्स वाली है, मानना पड़ेगा भाई, ग्राफिक्स भी काफ़ी हद तक मूवी जैसी है यार। ठीक है भाई लोग, तो अभी क्या है, इस शिप के अंदर थी वो लड़की जो हमें बचाने आई थी, इस शिप के अंदर हम भी थे अभी। ठीक है, और हम एक प्लैनेट पे आए हैं, और भाई ये जो प्लैनेट है ना ये किसी भी मैप पे नहीं दिखता, इसलिए यहाँ पे जेडाई आराम से छुपे हुए थे अभी तक, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई अब हम छुपने के नहीं, जो सिथ वाले हैं एम्पायर वाले उन पे भाई हमला करेंगे। और ये तुम सामने देख रहे हो एक बड़ी सी चीज, बिल्डिंग सी, ये है वो जगह जहाँ पे हमें जाके कोई टेस्ट वेस्ट पास करना है, और वहाँ पे जाके जेडाई को कोई ऐसी पावर मिलेगी जिससे सिथ एम्पायर के ऊपर हमला कर पाएंगे, और उस टेस्ट को वही पास कर सकता है जो कि फोर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फोर्स बनने की तो दिव्य शक्ति। और ऐसे भाई अभी जो वो लड़की थी वही भाई पहले जेडाई रह चुकी है, लेकिन अभी वो जेडाई नहीं है भाई, क्यों नहीं है हमें अभी कुछ खास आइडिया नहीं है, तो इसे वो ये चाहती है कि हम उस टेस्ट को पास करें। और भाई हमें ये पता लगा कि हम भी जो है ना पहले ट्रेनिंग ले थे जेडाई बनने की, और भाई इसका जो मास्टर था वो था वो बंदा जो उस दिन सपने में आया था एकदम से, और जिसने कहा था कि भाई दिव्य शक्ति में विश्वास रखियो, लेकिन जब एम्पायर का ऑर्डर लागू हुआ था उस टाइम पे इस बंदे का कनेक्शन गड़बड़ा गया था फोर्स के साथ में, लेकिन इसे लड़की को लगता है कि हम अभी भी कर सकते हैं। ओए भाई ऐसा एकदम ऑरेंज फ्लेम कर लिया हमने अपने लाइट सेबर की, भाई ये स्काई वॉकर वाला लाइट सेबर बना लिया हमने अपना। ओ भाई तुम्हें एक तगड़ी सी मूव करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है भाई, यहाँ से निकले कूदे और ये भाई तकड़ी मूव नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो भाई लोग अभी हमें क्या कहते हैं, एक रोबोट सा मिला था, वो हमारे से पूछ रहा था कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो हमने कहा कि भाई हम किसी को ढूंढ रहे हैं एक जेडाई को, तो वो भाई आगे आगे भाग गया और शायद से किसी जेडाई के बारे में पता है। ठीक है भाई लोग, तो अभी इसने हमें एक होलोग्राफिक सा मैप दिया है रोबोट ने, और हमारे से इस वहीं तक पहुँचने के लिए कहा है भाई, वो जो स्तंभ सा था बड़ा सा उस तक पहुँचने के लिए कहा है, वॉल्ट है वो किसी तरह का, तो वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है भाई, सामने तार लग रखे काफ़ी सारे, इनमें करंट आ रहा है तो कार्ड डालते हैं। ओ नहीं, मर गया मादरचोद। अच्छा किस तरह का वो था कि जैक्सन जिससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसे अपने पीछे बिठा लिया। अब ये जो रोबोट है ना ये हमें होलोग्राफिक मैप भी दिखाता रहेगा जहाँ भी हम जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, सफ़ेद कपड़ा मिला है अपने को यहाँ से। ठीक है भाई लोग, तो भी हम पार्कोर करके और इस खम्भे से काफ़ी पास पहुँच गए हैं, और भाई ये है अंदर से वॉल्ट जहाँ पे जाने के लिए कह रखा था, पानी भर रखा है सारे में बीच में। ठीक है भाई लोग, तो भी हमें एक ऐसी होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग मिली थी, ये कोई पुराना जेडाई मास्टर है, वो भाई इसने हमारे से कहा है कि मैंने कुछ जो फोर्स सेंसिटिव बंदे हैं गैलेक्सी के उनकी लिस्ट बना रखी है, और इस तरह के भाई सब जगह पे मिल जाएगी तुम्हें इनक्रिप्टेड रिकॉर्डिंग्स, ये एक इनक्रिप्टेड रिकॉर्डिंग थी, और यहाँ पे उसने ध्यान लगा के बंदे ने कोई स्पेशल पावर भी गेन करी थी। ठीक है, तो वैसे तो मुझे लगता है यार वो जो फोर्स सेंसिटिव बंदे होंगे उस जमाने के वो तो कब के भगवान को प्यारे हो गए होंगे, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे जाने के लिए कहा गया है इस रिकॉर्डिंग में। और ये जो जगह है ना भाई पूरी की पूरी ये कोई पुराना जेडाई टेम्पल है, वो भाई इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना तगड़ा टेस्ट भी इसलिए रखा था जिससे कि जो
इसके लायक हो भाई यहाँ पहुँचने के, वो यहाँ पहुँच सके, ऐसा वैसा कोई ना पहुँचे। खैर तो भाई अभी हम यहाँ पे आए थे स्पेसशिप पे, भाई बहुत देर लगी आने में, सीरियसली बता रहा हूँ। यहाँ पे आके हमने ये बताया कि एक तो हमें ड्रॉइड मिला था, ये रोबोट जो भाई कंधे बैठा है, वो इसने पूछा कि तुम्हें कुछ और मिला इससे लग, तो हमने बताया कि हमें एक जेडाई मास्टर का होलोग्राम मिला था जिसने हमें कुछ फोर्स सेंसिटिव बच्चों के बारे में बताया था। तो उसने जो लड़की थी उसने बताया कि वो न्यू जनरेशन जेडाई थे। तो हमने कहा कि हमें उस डेटाबेस के बारे में तो नहीं पता वो कौन कौन है, हमें जो है एक प्लैनेट के बारे में जरूर पता है। तो हमने कहा कि वो प्लैनेट हमें देख के आना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी प्लैनेट पे जा रहे हैं भाई जिस प्लैनेट के बारे में हमें बताया गया था, ठीक है भाई लोग। तो हम एक बर्फीले प्लैनेट पे पहुंच चुके हैं, पूरा कोहरा ही कोहरा, उन लोगों का पता लगा रहे, उन लोगों का हो सकता है डेटाबेस हो या फिर वो लोग फिजिकली हो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ हमारे से इसी प्लैनेट पे आने के लिए कहा गया था, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमें क्या कहते हैं, कुछ एम्पायर के लोग दिखे थे और हमने उन्हें ठोक ठाक तो दिया, जहाँ तक है वो भी उसी चीज का पीछा कर रहे हैं जिस चीज का पीछा हम कर रहे हैं, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमें एम्पायर के लोगों ने देख लिया है और आ जाओ बेटा तू भी आ जाओ, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमें क्या कहते हैं, इस चक्के के पास जाना है उस साइड पे, ठीक है। काम करते हैं, सबसे पहले तो इस चक्के को रोकते हैं, ठीक है भाई पहुंच तो गए दूसरी साइड, और ये ले बेटा आती भाई तबाही मचा डाली, ठीक है आ जाओ बेटा, ठीक है कूदे और खचा खच, भाई खत्म कर डाला मेरा भाई। अभी जो रिकॉर्डिंग थी वो बंद हो गई थी क्योंकि भाई स्पेस भर गया था सारा का सारा इसमें पीसी में, तो मैंने भाई थोड़ा सा स्पेस खाली करा है, स्टडी फोल्डर में से थोड़ी सी जीबी घटाई गई है इस टाइम पे, तो रिकॉर्डिंग के लिए जगह बची है। खैर कोई नहीं, सामने चलते हैं भाई, सामने जाना है अभी हमें, ठीक है भाई मारा इसके इसके मारा, अरे भाई चारों तरफ से मर गए, ठीक है भाई ये भरा इसमें, रुक जा पहले तो तू ही देख लूं, अच्छा और ये कूद के मारना था यार मुझे, ये ले भाई इनसे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, ठीक है इधर गए और ये पकड़ लिया भाई साहब। और भाई यार एक बात नहीं समझ आती मेरे, हम तो भाई ऐसे जेडाई टाइप बंदे हैं, हमारे अंदर फोर्स भी इतना पावरफुल है और सब है, तो यार हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है, ठीक है यहाँ पे पहुँचना ऐसी जगह पे भाई इतना मुश्किल पार को रहा है। और भाई जो एम्पायर के बंदे हैं इनके अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, फोर्स भी नहीं है इनके अंदर कुछ खास पावरफुल, तो फिर ये हमारे साथ कैसे मिलते हैं हर जगह पे, ये बात नहीं मेरी समझ में आई अभी तक। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये क्या है ऐसे नहीं लगता जैसे बड़ा सा वूफर हो, है नहीं ये है क्या चीज भाई, ओह ठीक है भाई ये बम है क्या, ठीक है यहाँ पे आ गए, यहाँ शायद हमें कोई टेस्ट पास करना है क्योंकि अगर ये बम फटे तो हम भी फट जाएंगे। और ये बात है क्या भाई, इस बॉल को हमें इस चीज के अंदर डालना है तब कुछ होगा, और ये जो चीज़ है ये ब्लोअर्स है ये हवा फेंकते हैं, एक काम करता हूँ भाई इसे यहाँ से खोल देता हूँ, ठीक है ये उधर की तरफ फोर्स लगाएगा, दूसरे वाले को इधर से खोल देता हूँ, ये उधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है तो ये बीच में अटक जाएगा, इसे यहाँ से खोल देता हूँ, ये दफ हो सकता है तो सीधा सॉकेट में घुस जाएगा और बंद हो जाए भाई अब तू, ठीक है तो ये बस ऐसी एक तरह का स्विच है, ये इस स्फीयर को यहाँ पे लगा के ये एक तरह के स्विच की तरह काम करना था, इससे कुछ नीचे अनलॉक हुआ है, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमें क्या कहते हैं, इस गोले को यहाँ पे इस चीज़ के अंदर डालना है, और अगर जैसा भी जोर से धक्का मारे तो सीधा रगड़ता यहाँ चला जाएगा। ओह अबे ये क्या है, गोडजिला, ये गोडजिला, ये स्टार वॉर्स में गोडजिला कहाँ से आ गया, भाई स्टार वॉर्स में गोडजिला कहाँ से ऐसा था, मैं इससे लड़के देखूं,
ले आयरन मैन के फूफे ठीक है रुक जा फोर्स लगाते थे जो ऊपर अच्छा मर गया क्या हाँ मर गया ओ इतना आसान था है क्या वैसे आयरन मैन की औलाद टॉम गार्ड ठीक है मकबरा है किसी का उसका गार्ड है ये ठीक है और आगे जाना है सरप्राइज मदरफकर अरे भैया अरे आयरन मैन के छोड़े हट हट साले अबे भैया क्या है एक काम करता हूँ मैं रुक जा बेटा ठीक है भागे भागो भागो ठीक है रुक मारने दे मेरे को अरे भागो 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 और भाग गए ठीक है अरे गोडजिला 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 क्या बोला मैं रुक जाओ पापा को मारने दो अरे भाई ये पार मारी है इसने इतनी जहरीली अरे इसने तो भर के मारा है ठीक है शायद मर गया ये हाँ मर गया अभी हमें क्या कहते हैं एक और नई चीज सिखाने हमारे मास्टर जी वो है फोर्स का यूज करके चीजों को दूर फेंकना ये तो अभी हम क्या है चीजों को धक्का दे सकते हैं ऐसे हाथ से ऐसे करके ठीक है अभी देख के देखते हैं सबसे पहले इस चीज को धक्का और ये तोड़ दिया भाई ओ अबे ये क्या ये यार गोडजिला फिर से आ गया मैं से पंगा लेने ओ इसको ऐसे सही करना था है ठीक है भाई ये जहाँ तक किसी कबर वबर है ठीक है भाई लोग तो अभी क्या है हमें एक होलोग्राम मिला था और उसमें हमें किसी को ढूंढने के लिए कहा गया था कोई भाई शायद पुराना जेडाई मास्टर था ये ले बेटा रॉकेट मारेगा रुक जा यार मैं नीचे आ रहा हूँ ठीक है भाई इन्हीं के बंदों से इन्हीं का बंदा पिटवा दिया ये लगवा भाई सीख गए रॉकेट भाई शायद डेथ स्टार की तैयारी चल रही है क्योंकि यहाँ से एक ट्रांसपोर्ट शिप जो है वो निकल रहा है कुछ सामान लेकर ठीक है भाई तो अभी हम यहाँ पे कुछ 1-2 का 4 कर रहे हैं और अपना जो रोबोट है इसका कोई पूजा डाल दिया हमने एम्पायर वालों के इसमें ठीक है भाई लोग तो अभी क्या कहते हैं अच्छा ठीक है भाई फेंक दे से भी नीचे ठीक है भाई यहाँ पे अभी लड़ाई बन चुकी है और ये भाई बड़ा सा रोबोट आ चुका है इसे मारने और ठीक है कोई नहीं हम जेडाई मास्टर हैं रुक जा बेटा रुक जा नहीं तेरी टांग ही तोड़ देता हूँ नहीं अभी खराब नहीं हुआ ठीक है भाई फोड़ दिया भाई इस पर हमला कर दिया था इन लोगों ने एम्पायर वालों ने लेकिन इतने भी हम आ गए ठीक है सर खरगोश जय सूत वाला बंदा भी अपने से इम्प्रेस हो गया पहले चिटा पड़ा था तो भाई लोग हमने यहाँ से जो हमें पता लगा था वो यहाँ पे अपने शिप पे आके बता दिया कि भाई जो लोग मतलब यहाँ पे रहते थे ना वो कोई बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन जो कि फोर्स यूज़ कर सकती थी मतलब ऐसे चीज़ों को करना हाथ से ऐसे दूर से छुक छुक करके है ना और वो लोग जो है भाई कुछ समय पहले वैनिश हो चुके हैं अब क्यों हुए ये नहीं पता लेकिन हो चुके हैं और वो लास्ट टाइम एक और प्लैनेट बताया
के वहाँ पे गए थे, तो हमें अभी उसी फ्लाइट पे जाना है, तो उस फ्लाइट पे जाएंगे भाई अगली वाली वीडियो में। ये जो लोन्डिया है इसका बात कर रहे थे कि तुमने फोर्स यूज करना क्यों शुरू कर दिया, मतलब हमारे से पूछी थी कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है फोर्स यूज करके, तो हमने कहा हमें बेहतरीन लग रहा है, तो हमने इससे पूछा था कि भाई क्यों छोड़ दिया तुमने फोर्स का यूज करना। इसे बताया कि जब एम्पायर का रूल चालू हुआ था ये फोर्स यूज करती थी उस टाइम पे, स्टूडेंट ही थी ये, बच गए थे जैसे, इसने जो है वो लोगों के साथ में इधर उधर भागना शुरू कर दिया, तो ये जो है पीछे रह गई थी और इसे जो है एम्पायर वालों ने दाब लिया। इसे खूब बढ़िया करके लटकूटा इससे पता करने के लिए कि भाई बाकी के जेडाई कहाँ है, और स्पेशली इसका जो मास्टर था वो, क्योंकि वो बच्चे भाग गया था इन बालकों के साथ, तो इसलिए जैसे तैसे करके बच तो गई, लेकिन इसने फोर्स का यूज करना बंद कर दिया। खैर आज वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भर के, और भाई अगर तुम्हें यही गेम की वीडियो चाहिए आगे भी तो कमेंट कर दो, और भाई अगर तुम्हें GTA 5 चाहिए इसकी जगह तो भी कमेंट कर दो, ठीक है, पता लगना चाहिए कि तुम्हें आगे चाहिए क्या है ना, और मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में।